हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संपूर्ण क्लासेस में। संपूर्ण क्लासेस में मैं आपके दो सेशंस लूँगी डेली। पहला सेशन आपका कोई भी एक सब्जेक्ट कवर किया जाएगा और दूसरा जो सेशन आपका होगा शाम के टाइम, उसमें मेनली हम डाउट डिस्कस करेंगे। ये डाउट आप मुझे कैसे बताएंगे? थ्रू टेलीग्राम आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझे बताइए और मैं उन डाउट्स को आपके एक नए सेशन में कवर करती चलूँगी। तो इस तरीके से क्या होगा, दो दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चलती रहेगी और आपके प्रीलिम्स आते आते काफ़ी चीज़ें मैं संपूर्ण क्लासेस में आपका कवर करा दूँगी। अभी मैं संपूर्ण क्लासेस में मॉर्निंग के टाइम आपका आर्ट एंड कल्चर लेने जा रही हूँ, ठीक है? आर्ट एंड कल्चर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करूँ ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो, ठीक है? और आपके जितने भी डाउट हैं मैं कोशिश करूँगी कि वो मैं सॉल्व करा दूँ। देखो गाइस, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते समय ना कुछ चीज़ें आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़ क्या कि आपको चीज़ों को देखना है ध्यानपूर्वक और उनको ऑब्जर्व करना है कि कैसे कैसे चीज़ों में चेंजेस आ रहा है। जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो आप देखोगे कैसे कैसे वेरिएशन आ रहा है समय के साथ। इसी तरीके से अगर अभी हम बात करते हैं आपके लिथिक एज की बात करते हैं, स्टोन एज की बात करते हैं, तो उस समय कैसे कैसे चेंजेस हो आएंगे, आपके जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, वो कैसे चेंज होंगे, किस तरीके से लोग सेटलमेंट के से चेंज होंगे। पहले लोग केव्स में रहेंगे, उसके बाद वो मड हाउस में रहेंगे, मड हाउस के बाद वो एक परमानेंट हाउस में रहने लगेंगे और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते जाएंगे। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है और मेरे साथ पढ़ते चलिए। और फिर मैं आपसे कहूँगी, सबसे पहले जो आपको भरोसा दिखाना है ना, वो खुद पर दिखाइए। यस आई कैन डू इट। आप जिस दिन आपने अपने पे भरोसा कर लिया ना, आप आधी रेस जीत जाते हैं। अपने पे भरोसा करके खूब पढ़ाई करिए, खूब पढ़ाई करिए। आप सभी लोग यूपीएससी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो, इसके लिए मैं विश करूँगी। तो आज की क्लास में यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर पढ़ते समय मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊँगी। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मेरे बोलने के पहले ही कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बनाते जाइए, ठीक है? कि जैसे यहाँ पे जो एनिमल है उसका साइज़ क्या है, आप देख रहे हैं इस एनिमल का साइज़ कितना बड़ा है, बहुत बड़ा एनिमल है। इसको कितने लोग एक साथ मिलकर मार रहे हैं और ये किस तरीके का वेपन यूज़ कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े स्टोन्स की हेल्प से ये इस एनिमल को, एक बड़े से जानवर को मार रहे हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ, यहाँ पे ये इतना बड़ा जानवर ना होके एक छोटा सा हिरन होता, छोटा सा हिरन, तो आपको लगता है क्या क्या इस छोटे से हिरन को, ये हिरन है, इस छोटे से हिरन को क्या आप इतने बड़े से स्टोन से मार पाते? जब तक तुम इस स्टोन को उठाते इस हिरन को मारने के लिए, तब तक ये हिरन यहाँ से भाग जाता। ये सब चीज़ें तो सबको समझ में आती होगी ना, इट्स वेरी इजी। किसी छोटे बच्चे से भी पूछो तो वो भी ये सब चीज़ें बता देगा। तो इसी तरीके से हम अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर खुद मिलता जाएगा मेरे बोलने के पहले। बस कुछ फ़ोटोज़ देखते चलिए। अब मैंने आपसे कहा ये कुछ स्टोन्स हैं, जो कि मैंने आपसे कहा कि जब पहले कुछ भी मत याद रखो, अभी मैंने तुमको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको ना पैलियोलिथिक एज बताई है, ना म्यूजोलिथिक एज बताई है, ना नियोलिथिक एज बताई है। जो स्टोरी बता रही हूँ बस उसको सुनो, उस फ्लो के साथ चलो, आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, चलो कि एक बड़े इतना बड़ा स्टोन है, ठीक है, उसके बाद ये स्टोन की साइज़ इतनी बड़ी हुई, फिर उस स्टोन की साइज़ ऐसे शार्पनेस आ गई, फिर ये शार्पनेस और शार्प होकर ऐसा स्टोन बन गया, तो ये अगर आपके वेपन्स हैं, हथियार हैं, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले इन सब हथियारों में कौन सा हथियार सबसे पहले इन्वेंट हुआ होगा, या सबसे पहले किस तरीके का हथियार लोग यूज़ करते रहे होंगे उस समय के लिए? तो आप सभी को पता है सबसे पहले ये बड़ा हथियार आया होगा, फिर इस बड़े हथियार का छोटा टुकड़ा आया होगा, फिर इस छोटे टुकड़े में उन्होंने ध्यान दिया होगा कि थोड़ा शार्पनेस लाओ, वो घसीटने लगे होंगे। जब उन्होंने घसीट के देखा, उन्होंने कहा ये तो शार्प हो गया, अब इसको उठा के किसी भी भागते हुए जानवर को मारो, तुरंत वो जानवर मर जाएगा। फिर उन्होंने इसको क्या करे होंगे, ये पॉलिश करने लगे होंगे। तो कुछ इसी तरीके से आपके वेपन्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, अभी समझो ये बात। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको क्या लगता है, पहले लोग केव्स में रहते होंगे, फिर उसके बाद आपके पिट हाउस में, ठीक है, पिट हाउस में रहते होंगे, जिसको या तो फिर मिट्टी का घर कहिए, मिट्टी का मड हाउस कहिए,
कहाँ रहते रहेंगे। तो आपके दिमाग में खुद आ रहा होगा कि मैम पहले के लोग तो जो बहुत जो मेनली आपके हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो आपके केव्स में रहते रहे होंगे, वो एक जगह हंटिंग करते होंगे, केव्स में रहते होंगे, फिर मूव ऑन कर जाते होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके ये जो लोग हैं वो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ खेती वेती करने लगेंगे, तो ये क्या करेंगे, एक जगह बसने लगेंगे, मतलब ये अपना घर बनाने लगेंगे। ये छोटी छोटी बातें ना, कितनी ईजी बातें, हम सबको ये सब चीज़ें पता है। अगर मैं क्लोथ्स की बात करूँ, कपड़ों की बात करूँ, तो पहले ये कुछ नहीं पहनते थे, उसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने एक जानवर को मारा, ठंडी लगी इन्होंने तो जानवर के चमड़े को ही ये पहनने लगे, ठीक है, जानवर के ये चमड़े को पहनने लगे। फिर उसके बाद आप देखोगे कि हो सकता है ये आपके देखा ये पत्ती वत्ती कुछ ऐसे पहनने लगे हों उस समय। फिर आप देखोगे कि जब इन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जब ये करेंगे तो इनके हाथ कुछ कॉटन वॉटन कुछ लगेगा, या हो सकता है जब ये एनिमल हस्बेंड्री करेंगे, मतलब ये जब पशुपालन करेंगे, जानवरों को पालने लगेंगे, तो इनको लगेगा कि जो जानवरों के जो बाल हैं, अगर इन्होंने एक शीप को पाला होगा तो हो सकता है उनको उस जानवर के बाल से इन्होंने कुछ अपना बुन लिया हो, कपड़े बुन लिए हों, तो ये क्या करेंगे, ये क्लोथ पे आ जाएंगे, ठीक है, क्लोथ पे आ जाएंगे। तो कुछ कॉटन के क्लोथ्स आपके मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कैसे कैसे चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, इन पिक्चर्स को ध्यानपूर्वक देखो, और जो जो चीज़ें मैं बोलती जा रही हूँ, अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आई है तो ये पिक्चर्स भी आपको ना बहुत ईजी वे में समझ में आएगी। चलो तो देखो, पहली पिक्चर आपकी यही है जहाँ पे स्टोन की साइज़ क्या है, मेरे साथ बोलो। भले हम लोग का ये ऑनलाइन सेशन नहीं है, लेकिन जब भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो यही सोच के पढ़ो कि ऐश्वर्या मैम लाइव क्लास ले रही, स्टोन की साइज़ क्या है। स्टोन की साइज़ बहुत बड़ी है, ये स्टोन की साइज़ समय के साथ क्या होगी, छोटी होती जाएगी। देखो इस तरीके से छोटी होती जाएगी, ठीक है, फिर और समय आते आते इनमें शार्पनेस आ जाएगी, क्या आ जाएगी, शार्प होती जाएंगी। और शार्पनेस के साथ 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 क्या होगा, आप देखोगे शार्पनेस और बढ़ गई है, और कुछ समय बाद ना ये पॉलिश्ड भी होंगी। देखो किस तरीके से अब आपके जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, बन रहे हैं। देखो एक और पिक्चर, इसमें देख रहे हो आप किस तरीके से इन्होंने डंडे से बांध दिया है। ये देखो बो एंड एरो का आविष्कार हो गया, देखो कुछ पहिए की तरीके का कुछ आविष्कार हो गया, आग का यूज़ हो गया है, हथौड़ी बन गई है। तो आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही होंगी कि अब कहीं ना ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, जो वेपन्स का डेवलपमेंट है, ह्यूमन के डेवलपमेंट के साथ बढ़ता जा रहा है। अब खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास ये हथियार आ गया, बो एंड एरो आ गया, तो आप एक शिप को या हिरण को आसानी से मार सकते हो ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं। चलो अब देखो घर किस तरीके से ये केव में रहते थे, ठीक है। ये देखो ये आपका एक मिट्टी के नीचे, इसको ये आपका ऐसे, ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके का केव मिला है, एविडेंस मिला है, जहाँ पे कि आपके उस समय के प्राणी लोग रहते थे। फिर देखो ये आपकी केव्स हैं, कुछ इस तरीके से ये रहते थे, केव्स में ये एक साथ रहते थे, हंटिंग करते थे, खाते थे, फिर चले जाते थे। देख रहे हो इन्होंने क्या पहना है, इन्होंने आपके जानवर का चमड़ा पहना, देखो कुछ चमड़े की तरह इन्होंने पहना है ना कुछ, देखो समय के साथ साथ। अब जब वो वहाँ रहते थे तो उनको कुछ आर्ट भी करने का मन किया होगा, तो बैठे बैठे वो ड्राइंग भी बनाने लगे हैं। अभी ये किस तरीके के ड्राइंग है, कहाँ कहाँ इसके एविडेंसेस मिले हैं, ये सब हम बात करेंगे। पहले अपने दिमाग में ना एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के चलो, ठीक है, पेंटिंग्स देखते चलो। पेंटिंग्स जब देख रहे हो तो ध्यान देखो, ध्यान दो कि कैसी पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बो एंड एरो का यूज़ कर रहे हैं लोग, हंटिंग का यूज़ कर रहे हैं ना, हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ वस्त्र पहने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखो। चलो अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब देखो हाउसेस के डेवलपमेंट की बात करूँ तो देखो ये पहला आपका मड हाउस है, देख रहे हो एकदम मिट्टी का बना हुआ ये घर, कुछ इस तरीके का घर आपका बनना स्टार्ट किया नदी के किनारे, जहाँ गीली मिट्टी मिली इन्होंने बना दिया। तो ये आपके ना मेसोलिथिक एज के एविडेंसेस हैं। जब हम केव्स की बात करते हैं तो मेनली पैलियोलिथिक होता है, अभी परेशान मत होना। और जब हम इस तरीके के घरों की बात करते हैं तो ये घर आपको क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई हैं, फार्म लैंड आपके आ गए हैं, तो लोग क्या करेंगे, एक जगह सेटल होने लगेंगे। पहले तो जानवर की खोज में ये दूर दूर निकल जाते थे हंटिंग के लिए, और जहाँ पहुँच जाते थे फिर ये वापस थोड़े लौट के आते थे, सब झुंड में चलते थे, जानवर मारते थे, खाते थे, फिर रुक जाते थे, फिर आगे मूव ऑन करते रहते थे। लेकिन जब ये एक जगह ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करने लगेंगे, जानवर आनवर पालने लगेंगे, तो ये सेटल होने लगेंगे, ये घर बसाने लगेंगे, घर बसाएंगे तो ये घर बनाने भी लगेंगे, ठीक है।
तो इस तरीके से कुछ है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊं, पहले बच्चों को बता दूं, जब मैं आपसे क्या बात कर रही हूं, पहली चीज़ जब मैं आपसे पैलियोलिथिक एज की बात कर रही हूं, पैलियोलिथिक तो वो क्या है, पूरा पाषाण काल है, ठीक है। जब मैं आपसे मीज़ोलिथिक की बात कर रही हूं, मीज़ोलिथिक वो आपका क्या है, मध्य पाषाण काल है। और जब मैं आपसे नियोलिथिक की बात कर रही हूँ तो वो आपका क्या है, नव पाषाण काल है। ऐसे ही मैं हिंदी वालों को बता दूँ, ये आपका क्या है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये आपका क्या है, मीज़ोलिथिक क्या है, आपका मीज़ोलिथिक क्या है, मध्य पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल। और आपका पैलियोलिथिक क्या है, नियोलिथिक क्या है, नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये नव है, ये मध्य है, ये पूरा पाषाण काल है। हिंदी वाले कंफ्यूज मत होना प्लीज़, मैंने आपके लिए भी रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें जहाँ से मुझे बेस्ट मिली है वो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। तो मैंने जैसे कि आपको दिखाया, जब हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे, तो वहाँ के जो स्टोन टूल्स होंगे वो क्या होंगे, बड़े होंगे। बड़े स्टोन्स होंगे तो हंटिंग किसकी होगी, लार्ज एनिमल्स की होगी, बड़े बड़े जानवरों की होगी, जो जल्दी जल्दी नहीं भाग सकते हैं उनकी हंटिंग करोगे ना। और हंटिंग करते करते ये कहाँ रहेंगे, ये मेनली आपके नेचुरल केव्स में रहेंगे, ये केव्स होगा, केव्स में रहेंगे, गुफाओं में रहेंगे, जहाँ मारे वहाँ खाया फिर आगे बढ़े। लेकिन जब ये स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं, दो स्टोन्स एक दूसरे से टकराएंगे तो फायर डिस्कवर हो जाएगी। लेकिन कहा जाता है कि पैलियोलिथिक एज में इन्होंने आग की डिस्कवरी तो कर ली है, लेकिन इनको अभी आग का प्रॉपर यूज़ करना नहीं आया है। हो सकता है पैलियोलिथिक एज में ये आग जब देखे हो तो ये खुद भी डर जाते हो, जैसे कि एक जानवर आग देख के डरता है, अभी ये जानवर ही है, ठीक है। अब देखो, जब मैं मीज़ोलिथिक एज की बात करूंगी, मध्य पाषाण काल, मैंने आपसे क्या कहा, यही जो लार्ज बड़े बड़े ईंटे होते थे, ये ईंटे क्या होंगे, धीमे धीमे छोटे होते जाएंगे। मीज़ोलिथिक को हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, याद रखना गाइस, माइक्रो मीन्स स्मॉल। What do you mean by micro, small and lithic means stone. तो यहाँ पे जो स्टोन की साइज है मीज़ोलिथिक मध्य पाषाण काल में, वो छोटी होती जाएगी। यहाँ पे आपके बो एंड एरो की डिस्कवरी हो जाएगी, ठीक है, बो एंड एरो की डिस्कवरी हो जाएगी। तो बो एंड एरो से तुम क्या करोगे, छोटे छोटे जानवरों को मारोगे ना, छोटे छोटे जानवरों को मारोगे। कितनी भी तेज जानवर भागेगा, आप शिकार करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, फिशिंग भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पिट हाउसेज होंगे, ठीक है, पिट हाउसेज। और क्या होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुपालन भी आपका स्टार्ट हो जाएगा कैटल रेयरिंग के साथ, ये चीज़ याद रखना। और सबसे पहला जानवर जिसको कि पाला गया है, मतलब डोमेस्टिकेशन किया गया है, जिसको कि पशुपालन जिसका किया गया, वो है कुत्ता, डॉग, ये चीज़ याद रखना। अब हम नियोलिथिक एज की बात करते हैं, जब हम नियोलिथिक एज की बात करेंगे, यही जो बड़े बड़े स्टोन्स आपके मीज़ोलिथिक में छोटे छोटे स्टोन्स हुए, वो आपके नियोलिथिक एज तक आते आते क्या होंगे, और शार्प हो जाएंगे, और शार्प हो जाएंगे, और वो पॉलिश्ड भी हो जाएंगे। अब पॉलिश्ड स्टोन्स का यूज़ किया जाएगा। अब बताओ, अब नियोलिथिक एज में तुम्हारा क्या आ जाएगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आ जाएगी। जैसे मैंने बोला कि खेती स्टार्ट हो जाएगी, आपके दिमाग में क्या याद आएगा, सेटलमेंट स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लोग एक जगह रहने लगेंगे, लोग एक जगह रहने लगेंगे। यहाँ पे आपका पशुपालन स्टार्ट हो गया था, पशुपालन स्टार्ट हो जाएगा, कैटल रेयरिंग स्टार्ट, मतलब कैटल रेयरिंग भी होगी आपकी, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह। और भाई जब खाना पका रहे हो, नहीं जब खाना बो रहे हो, मतलब जो खेती कर रहे हो, तो उसको पकाओगे भी तो, और आग की डिस्कवरी तो आपकी पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज में ही हो गई है। तो अब यहाँ पे कुकिंग स्टार्ट होगी, अब कुकिंग किस में करोगे, बर्तन में करोगे, तो बर्तन भी नियोलिथिक एज में आपके आ जाएगा, ना पाषाण काल। कितना ईजी है, एक बार अपनी आँख बंद करो और आपको सब आ जाएगा। और नहीं बिलीव हो रहा ना, ये कितना ईजी है, जाके अपने घर में किसी भी एक छोटे से बच्चे के पास बैठना और उससे ये सब चीज़ें बोलना, वो तुमको ये सब चीज़ें बता देगा। तो पढ़ाई बहुत ईजी है, बस उसको ना ईजी वे में पढ़ चलो। अब मैंने आपसे क्या कहा, हाउस का डेवलपमेंट होने लगेगा, मैंने आपको दिखाया ना, मड हाउसेस बनने लगेंगे, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा था, मीज़ोलिथिक एज में जब हंटिंग कर रहे हो, या पैलियोलिथिक एज तक जब जानवरों को मार रहे हो, तो बड़े बड़े जानवरों का चमड़ा आप क्या कर रहे हो, रैप कर ले रहे हो, ठंडा लग रहा था कपड़ा पहन लिया। तो यहाँ तक नियोलिथिक तक जब खेती आएगी, तो इंसान क्या करने लगेगा, क्लोथ बनाने लगेगा, कॉटन और वूल का, ये सब चीज़ें हमने आपसे बात की, ऊन का, ठीक है, कपास और ऊन का। तो चलो, अब मैं हिंदी वाले एक बार यहाँ पे देख लें,
अब इंग्लिश वाले 2 मिनट वेट करना, यहाँ लिखा है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, प्राचीन पत्थर युग, ठीक है। आखेटक, आखेटक मतलब क्या है, हंटर्स, ठीक है, ठीक है। शैलाश्रय मेनली मेरे क्या होता है, केव्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, म्यूजोलिथिक एज की, जब आपको क्या कहते हैं, मध्य पत्थर युग, यहाँ पे जो वेपन्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, यहाँ पे भी आखेटक है, प्लस पशुपालन, क्या, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, यहाँ के जो आवास है ना वो आपके नदी के किनारे बनेंगे मेनली। और जब हम नवपाषाण काल की बात करेंगे, नवीन पत्थर युग की, तो वहाँ पे आपके पहिए का आविष्कार, कृषि का आविष्कार हो जाएगा, ठीक है। अब स्थायी, देखो स्थायी अधिवास, मतलब अब एक जगह ये लोग रहने लगेंगे जब कृषि पालन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके बर्तन भी बनने लगेंगे। इसके बाद जब पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक के बाद आपका आता है ताम्रकालीन, ठीक है, और फिर लौह युग आता है, ये सब क्या, कॉपर एज। जब हम मेनली कॉपर एज की बात करते हैं तो वो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। जब मैं लौह युग की बात करती हूँ तो मेनली हम लोग वैदिक काल की बात करते हैं, ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका जो युग है, मतलब जो भी एजेस हैं, वो इस तरीके से आपके डिवाइड हो रही हैं। अब कुछ प्लेसेस हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, दीज आर सम स्टैटिक पॉइंट्स जो आप याद रखोगे, और मैं आपको इतने क्वेश्चंस कराऊंगी ना, और मैंने आपको कराया भी है, जो स्टूडेंट मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको ये बात पता होगी कि मैंने कितने प्लेसेस आपके कवर करा दिए थे। तो ये धीमे धीमे जब हम क्विज आपके लगवाएंगे, क्वेश्चंस आपको देंगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठती रहेगी, बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करना, अपने पे विश्वास रखना और मेरे पे विश्वास रखना, ठीक है। और क्वेश्चंस तो मैं बहुत लगवा दूंगी आप लोगों का। देखो अब पूरा पाषाण काल, ठीक है, पैलियोलिथिक एज की कुछ जगहों का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें कि आपका क्या है, लोहदान नाला, ठीक है, ये याद रखना। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बोलन घाटी की बात मैंने आपको बताई है ना, बेलन घाटी का याद रखना। इलाहाबाद ये याद रखोगे, भीमबेटका केव्स याद रखोगे, भीमबेटका केव्स की पेंटिंग के पे अभी हम आते हैं, ठीक है। आप क्या याद रखोगे, पलवरम याद रखोगे, ठीक है, गुड़ियाम याद रखोगे। दीज आर फ्यू इम्पोर्टेंट साइट्स जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो यहाँ पे जब हम मध्य पाषाण काल की युग की बात करते हैं या काल की बात करते हैं, तो ये मेनली आपके म्यूजोलिथिक एज है। म्यूजोलिथिक एज में मैंने आपको क्या बताया है कि आपका पशुपालन स्टार्ट हो जाएगा, और पहला जानवर कौन है, कुत्ता होगा, ठीक है। और मैंने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे कौन कौन सी प्लेसेस याद रखोगे आप, भीमबेटका केव यहाँ पे होगा, ठीक है, ये चोपानी मंडो याद रखोगे तुम लोग, ठीक है, वीर भानपुर याद रखोगे, मदहा याद रखोगे, ठीक है, सराय नहराय याद रखोगे, ये सब कुछ प्लेसेस हैं जिसको कि याद रखोगे। अब नवपाषाण युग की बात करें, नियोलिथिक की बात करें, तो कहडीवा ये याद रखोगे, ठीक है, ये सब प्लेसेस कवर होंगी, चिंता मत करना, मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगी ना तो कवर हो जाएगा। बुर्ज होम की बात याद रखोगे तुम लोग, चिरहान का याद रखोगे, देखना ये क्वेश्चंस में मैं आपको करा दूंगी। एक चीज़ यहाँ देख लो, सोने के भी साक्ष्य आपके मिले हैं, कोलार जो कर्नाटका में है आपके, वहाँ पे आपके सोने के भी साक्ष्य मिले हैं, एक मूवी भी बनी है ना कोलार, उस पर बहुत आप बच्चे देखे भी होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करंट पे आने के पहले मैं आप लोगों को एक बार भीमबेटका केव्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, वहाँ की पेंटिंग्स के बारे में। भीमबेटका केव्स की जो पेंटिंग्स हैं वो आपके पैलियोलिथिक मेसोलिथिक एज के एविडेंसेस शो करते हैं। यहाँ पे मेनली आपके वेरियस कलर यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली मतलब मेनली आपके वाइट और रेड कलर यूज़ किए जा रहे हैं। जब हम वाइट कलर की बात करें तो ये हमको मिलता है लाइमस्टोन से, जब हम रेड कलर की बात करें ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आपके गेरू रंग से मिलेगा, गेरू पत्थर हेमेटाइट होता है ना, आपने सुना होगा घर पे गमले जो गेरू रंग से रंगवा दिए जाते हैं। इसी तरीके से आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे ब्रशेस भी बने। अब ब्रशेस कैसे बने, सोचो गांव में सब लोग जब दतवन करते हैं तो नीम जब चबाते हैं तो क्या कुछ ब्रश की तरह बन जाता है, उसी तरीके से हो सकता है प्लांट फाइबर की हेल्प से ये ब्रशेस बनाते रहे हों। फिर एक चीज़ आप लोग याद रखोगे, जो पेंटिंग्स है ना वो एक समय की ना होके कई समय की है, कई समय की मतलब यहाँ पे ये जो केव था उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक आदमी खड़ा था, उसने केव के ऊपर वाली दीवार पे कुछ इस तरीके से पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। देखो कुछ इस तरीके से पेंटिंग बनाना, देखो कुछ इस तरीके से उसने पेंटिंग ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। फिर कुछ समय बाद कोई और आदमी आया, इसका बच्चा बड़ा हो गया,
तो उसने यहाँ पेंटिंग ड्रॉ कर दी, फिर इसके बच्चे के बच्चे ने पेंटिंग ड्रॉ कर दी। तो जो भीमबेटका केव है वहाँ पे आपको ना जो पेंटिंग्स मिली है वो कई एजेस में 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग्स है जो कि एक दूसरे के ऊपर एक ड्रॉ की गई है। तो अगर इन पेंटिंग्स को स्टडी करेंगे ना तो हमें ये पता चलता है वहाँ पे मेनली हंटिंग्स होती थी, ठीक है, हंटिंग, वो मेनली हंटिंग करते थे और एक जगह रहते थे फिर चले जाते थे। कुछ वहाँ पे आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी मिले हैं, मैम ज्योमेट्रिकल फिगर्स ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ज्योमेट्री आती थी उनको भाई, पता नहीं आती थी कि नहीं। लेकिन देखो यहाँ क्या बना है आपका, देखो ये देखो ट्रायंगल बना ना, ट्रायंगल देखो, देखो कुछ ये देखो पॉलीगन आपके है ना, ये सब कुछ इस तरीके से देखो किस तरीके से है ये। और यहाँ पे आपका क्या शो करा, हंटिंग शो करा। यहाँ पे आपको डांसिंग के भी एविडेंसेस मिले, मतलब ये कुछ अपना एंटरटेनमेंट भी करते थे। देखो यहाँ पे कुछ देख रहे हो, ये देखो कुछ, फिर यहाँ देखो बो एंड एरो का यूज़ किया गया है, कितनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स मिली है। तो वो ये पिक्चर्स आपको उस समय के इकोनॉमिक और सोशल लाइफ ऑफ पीपल्स के बारे में बताती थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने दिमाग में रखोगे। भीमबेटका केव आपके मध्य प्रदेश में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब हम लोग कुछ करंट की बात करते हैं। मैं बार बार कहूँगी जब भी मैं आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊँगी ना, आप मेरे साथ आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, अपने लिए एक बुक तैयार रखो, नितिन सिंघानिया कुछ भी लेनी हो एक कोई बुक रिफ़र करो, और दूसरी चीज़ उसको करंट के साथ अपडेट करते चलो। जब भी यूपीएससी पेपर दोगे तो वो करंट ज़रूर पूछता है, ज़रूरी नहीं है कि स्टैटिक पोर्शन ही वो पूछे, हो सकता है करंट में कोई आपकी कोई साइट हो उससे रिलेटेड वो स्टैटिक पोर्शन पूछ ले, या हो सकता है सीधे डायरेक्ट करंट ही पूछ ले आपसे, ठीक है। तो उसी में से एक करंट अफेयर आपका ये है। जब हम मेगालिथिक एज की बात कर रहे हैं, जब हम मध्य पाषाण युग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ आपके कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे। कैसे कंस्ट्रक्शंस हुआ करते थे, क्यों हुआ करते थे, चलो बात करते हैं। देखो कभी कभी ना ऐसे कुछ सिंगल, एक सिंगल इतना बड़ा सा स्टोन ये लोग क्या करते थे, एक जगह पे स्टैंड कर देते, मतलब खड़ा होता था। तो इसको हम लोग क्या करते थे, मेनहिर कहते थे, MENHIRS, ठीक है, मेनहिर। जब यहाँ पे उन स्टोन्स को इस तरीके से गोलाई में अरेंज किया जाता था तो सर्किल में, तो इसको हम क्या कहते थे, क्रोमलेक कहते थे, क्रोमलेक कहते थे, ठीक है। जब उन स्टोन्स को इस तरीके से सीधे खड़ा कर दिया जाता था तो उसको हम क्या कहते थे, अलाइनमेंट कहते थे गाइस। और जब उसको इस तरीके से सर्किल में खड़ा करके उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन रख दिया जाता था, इसको हम क्या कहते हैं, डोलमेन कहते हैं। ये आपके मेगालिथिक कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मेगालिथिक मतलब आपका क्या है, मध्य पाषाण काल। अब मैंने मेगालिथिक कंस्ट्रक्शन पे इतना एम्फेसिस क्यों दिया है, क्योंकि रिसेंट में आपको एक मेनहिर मिला है, मतलब एक बड़ा सा इतना बड़ा सा स्टोन मिला है, कहाँ पे, पोथामाला हिल्स केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे, जो कि माना क्या जा रहा है ये आपका 3000 ईयर बैक का है, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर है ये मेनहिर, ठीक है। तो देखो इस तरीके का, तो क्या याद रखोगे करंट में, आपको इसको पोथामाला हिल्स केरला तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको मेनहिर मिला है, जिसको कि माना जा रहा है ये आपके 3000 ईयर पहले का है, मेगालिथिक कल्चर है ये, ठीक है। चलो अब इसी तरीके से जब हम नियोलिथिक एज की बात करेंगे, नवपाषाण की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक शिवलिंग मिला है इतना बड़ा सा, जिसको कि माना जा रहा है कि ये नियोलिथिक एज का है, नियोलिथिक एज का है। अब यहाँ पे कहाँ पे ये मिला है, ये आपका भैरेश्वरा स्वामी टेम्पल, ठीक है, मोपुरा हिल्स हिल लॉक इन आंध्र प्रदेश में आपका मिला है, ठीक है। ये चीज़ याद रखोगे, ये 18 फुट का शिवलिंग है, ये डिस्कवर किया गया है, जिसको कि बोला जा रहा है ये नियोलिथिक एज की है, ठीक है। अब कुछ जब आप ध्यान में रखोगे, अब करंट में आपका क्या पूछा गया, मेगालिथिक कल्चर के बारे में बताया गया है। मेगालिथिक कल्चर में मैंने आपको मेगालिथिक कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया, इसको याद रखोगे। मेगालिथिक और कौन कौन सी साइट्स हैं उसको थोड़ा दिमाग में अपने बिठा लेना। और नियोलिथिक की जब बात करोगे तो नियोलिथिक जो शिवलिंग आपकी मिली है आपका मोपुरु हिल लॉक्स में आंध्र प्रदेश में, इसके बारे में याद रखोगे। प्लस कुछ और साइट्स आप क्या करोगे, अपडेट करोगे। जैसे गुफ कराल की बात करते हैं तो ये कश्मीर में है आपके, ठीक है। चोपानी मांडो की बात करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। चिरहान की बात करते हैं तो वो बिहार में है। ब्रह्मगिरी की बात करते हैं तो वो कर्नाटका में है। बिल्कुल भी मत परेशान करना, क्वेश्चन कराऊंगी सब याद हो जाएगा धीमे धीमे। चलो
अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कल जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपको हरप्पा सिविलाइजेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है, मोहनजोदारो के बारे में बताएंगे, कैसे कैसे वहाँ डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी लोकेशन आपकी इम्पॉर्टेंट है, साइट्स इम्पॉर्टेंट है और करंट अपडेट क्या है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपके इस सेशन में साथ में लेते हुए चलूँगी। लेकिन कल के सेशन को पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम आपका हरप्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, आपको कोई भी सजेशन देना है डू सजेस्ट मी, आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहा है मुझे बताइए, मुझे क्या क्या चीज़ें और इंक्लूड करनी है मुझे बताइए, प्लस प्लीज़ गाइज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर मैं आपके लिए इतना एफर्ट डाल रही हूँ तो आप भी इस क्लास के डेकोरम को मेनटेन रखिएगा, ठीक है, और कोई भी सजेशन हो उसको मुझे बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये संपूर्ण क्लासेस आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, ठीक है, और मैं चाहती हूँ संपूर्ण क्लासेस का यूज़ हर बच्चे को मिले, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जो आपको लगता है कि कहीं दूर बैठे हैं और वो कोचिंग के लिए फ़ीस नहीं दे सकते हैं, आप उनको मेरे क्लासेस के बारे में बताइए, हमसे जोड़िए, हम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएंगे और मेनली हम इस प्लेटफॉर्म को फ्री ही रखेंगे, ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो डू इन्फॉर्म मी, और आपके इस प्लेटफॉर्म से कई और एडुकेटर्स जुड़ेंगे जो कि आपको पूरी कोशिश करेंगे, गाइड करेंगे, थैंक यू सो मच, तो स्टे होम स्टे हेल्दी, सब लोग खूब अच्छे से रहो, खूब पढ़ाई करो, और टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी बच्चे हैं वो मुझे मैसेज करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, और आप क्या क्या चीज़ें और मुझसे इंक्लूड कराना चाहते हैं इन क्लास में, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय।